आज रात तकरीबन 2 बजे मालेगांव शहर में एक हादसा पेश आया। एक लेडीज़ है जिसका नाम है शबाना अजरुद्दीन और 2 बच्चे की माँ है, शादीशुदा है। ये अपने ही घर के मकान के ऊपर फांसी में लटकी हुई मिली। घर के लोगों ने जिस वक्त सुबह उठने के बाद देखा तो उन लोगों ने तुरंत पुलिस स्टेशन में इत्तला की। पुलिस वालों ने वहाँ से एम्बुलेंस के जरिए सिविल हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी मुंतकिल की और अभी उसकी लाश मुर्दा घर में पड़ी हुई है। लेडीज़ जो है वो धरनगांव की रहने वाली बताई जा रही है। उनके रिश्तेदारों ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि हमारे घर पे ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, आप यहाँ पे पहुँच के जो भी पीएम वगैरह है, पंचनामा वगैरह है, इसमें हमारी हेल्प करें। कानूनन जो भी है पीएम पंचनामा वगैरह करने के तुरंत बाद 1 से 1.5 घंटे में भी डेड बॉडी इनके ताबे में दे दी जाएगी। अगले हफ्ता भी एक हादसा हुआ, हम भी सोशल वर्कर लोग अपील बार बार कर रहे हैं कि ऐसे हादसे ना हो। यहाँ के उलमा कराम से भी हमारी गुजारिश है कि आप बयान करें ये हादसे ना हो, कि पिछले हफ्ते जो हुआ सोनगांव फाटे पर वो भी सूरत का रहने वाला था, आज जो हादसा हुआ है शबाना भाई का, ये धरनगांव से ताल्लुक़ रखती है, तो हमारे गांव में क्या इनको मालेगांव पसंद नहीं है या क्या वजह है जो यहाँ आकर वो खुशी करते हैं। घर वालों से भी हम गुजारिश करते हैं, सरपरस्तों से गुजारिश करके कि आप बहू पर और बच्चों पर ध्यान दें, ऐसे हादसे दोबारा ना हो। इसमें रिश्तेदार, महिला, सोशल वर्कर और जिम्मेदार सभी लोग परेशान रहते हैं।